ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन हो चुका है। 4 साल से चैडविक पीड़ित थे कैंसर से। आपको वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले डालते हैं, डिटेल में डालते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को सबको समझ में आ जाए। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉलीवुड स्टार चैडविक बॉसमैन का शुक्रवार को निधन हो गया। मार्वल स्टूडियो की फिल्म ब्लैक पैंथर में मुख्य भूमिका निभाने वाले चैडविक 43 साल के थे और पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक चैडविक के प्रतिनिधि ने एक्टर के निधन की पुष्टि की। चैडविक का निधन लॉस एंजलिस में उनके घर पर हुआ। सुपरस्टार एक्टर की मौत पर उनके परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्हें एक सच्चा योद्धा बताया गया। बयान में कहा, एक सच्चे योद्धा चैडविक ने अपने संघर्ष के जरिए आप तक वो सारी फिल्में पहुंचाई जिन्हें आपने बेहद प्यार दिया। परिवार ने बताया कि चैडविक ने बीते 4 सालों में कई फिल्मों की शूटिंग की और ये सब उनकी कई सर्जरी और कीमोथेरेपी के बीच होती रही। परिवार ने कहा कि ब्लैक पैंथर फिल्म में सम्राट टीचाला का किरदार निभाने के लिए उन्हें सम्मान की बात थी। चैडविक के निधन को लेकर कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम उम्मीद करें आपने कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया है तो अभी कर ले और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ब्लैक पैंथर में आपको उनका किरदार कैसा लगा। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।